हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप कैसे यूज़ होता है। ये लेक्चर में हम लोग फॉर इन लूप के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर इन लूप एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ पर लूप करने के लिए यूज़ होता है। ये फॉर लूप से डिफरेंट होता है। फॉर इन के अंदर का जो कोड है वो ऑब्जेक्ट की हर प्रॉपर्टी के लिए एक बार एग्जीक्यूट होता है, लेकिन फॉर इन स्टेटमेंट को हम लोग उन एरेज पर यूज़ नहीं कर सकते हैं जहाँ पर इंडेक्स का ऑर्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जहाँ पर एरे का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर फॉर इन की जगह फॉर स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉर इन लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। फॉर इन लूप का सिंटेक्स फॉर लूप के सिंटेक्स से डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोग जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसको फॉर लूप के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। हम लिखते हैं फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट नेम और वेरिएबल जो हम लोग उसको इटरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। वेरिएबल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पर इटरेट करने के लिए यूज़ होगा और ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जिसको हमें इटरेट करना है। तो चलिए देखते हैं, ये प्रोग्राम में हमने फॉर इन लूप यूज़ किया है। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, राइट, स्टूडेंट, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करी है। फिर एक वेरिएबल लिया है जिसके थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट को इटरेट करेंगे और फॉर इन लूप यूज़ किया है, ठीक है। फिर हमने लिखा है फॉर एक्स इन स्टूडेंट और फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाया है, ठीक है। चलिए फॉर इन लूप को जावास्क्रिप्ट में यूज़ करके देखते हैं। सो स्क्रीन पे हमारा बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर है। सो अब स्क्रिप्ट टैग में हम लोग फॉर इन लूप को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं वो हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था जब हमने डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स डिस्कस किए थे। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे विथ नेम स्टूडेंट और उसकी तीन प्रॉपर्टीज सेट करी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर यहाँ पर हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल एक्स, ठीक है, जो कि हमें उस ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए यूज़ होगा। नाउ हम लोग एक फॉर इन लूप लेते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर, ओके, फिर लिखेंगे x in और ऑब्जेक्ट का नेम है स्टूडेंट। तो ये हमारा लूप स्टार्ट हुआ है। अब इस लूप में हम लोग लिखेंगे हमारा स्टेटमेंट्स जो हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग स्टूडेंट या फिर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करवाते हैं, ओके। सो हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके, एक वेरिएबल लिया है और एक फॉर इन लूप लिया है जहाँ पर हमने लिखा है एक्स इन स्टूडेंट और उन स्टूडेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करवाया है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को रन करने पर हमें यह आउटपुट मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने सेट करी थी, जो कि है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, वो यहाँ पर एक लाइन में प्रिंट हुआ है, ओके। ये है फॉर लूप, ओके। ये फॉर लूप, फॉर इन लूप की हेल्प से हमने एक्स वेरिएबल इन स्टूडेंट, मींस ये फॉर लूप 3 times चलेगा बिकॉज यहाँ पर हमने स्टूडेंट की 3 प्रॉपर्टीज़ को सेट किया है। अगर यहाँ पर हम लोग एक और प्रॉपर्टी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं आईडी, देन अब यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 4 प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज एंड आईडी, देन ये फॉर इन लूप 4 times चलेगा बिकॉज ये एक्स 4 times इटरेट करेगा। यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज है इस ऑब्जेक्ट की, दैट्स वाई ये फॉर इन लूप 4 times चलेगा, ओके। चलिए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ओके। यहाँ पर प्रिंट हुआ है राज मेहता 20 एंड आईडी, दैट इज 1 2 3। इट मीन्स जितनी प्रॉपर्टीज होगी
उतनी बार ये फॉर लूप इटरेट होगा. ओके, एंड जैसे ही प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, इट मींस फोर प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो ये लूप उसके बाहर आ जाएगा. ओके, ये फॉर इन लूप नॉर्मल फॉर लूप से डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पर हमने कोई टेस्ट कंडीशन नहीं दी है, कोई इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है. सो ये लेक्चर में हमने देखा फॉर इन लूप को जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ किया जाता है और फॉर इन लूप और फॉर लूप में क्या डिफरेंस होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूप कंट्रोल इन जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि कैसे लूप्स को कंट्रोल किया जाता है. ओके, थैंक यू.